A three-year-old toddler who fell into a borewell while playing near her house in Rajasthan's Dausa district was rescued early this morning, nearly after 12 hours. अभी ज्योति का कुछ देर पहले ही मॉर्निंग में चेकअप किया था. ज्योति खतरे से बाहर है, उसको आईवी फ्लूड दिया जा रहा है. अभी थोड़ा सा स्लाइटली लाइट फूड भी खाया है उसने और बराबर आई मूवमेंट कर रही है और अपन नॉर्मली बिल्कुल खतरे से बाहर है. अभी उसको 12 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इसके बाद एक दो दिन पीडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद घर भेजेंगे. नॉर्मल अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर रही है, उसके एक्सटेंशन फ्लेक्सर सब फ्लेक्स वगैरह देखेंगे कंटिन्यू एकदम ओके. The NDRF and the army were called in and rescue efforts were on till late evening. The girl who fell around 3 p.m. last evening was stuck at about 50 to 60 feet in the 200 feet deep borewell. A CCTV camera was used to help the rescue workers to locate the girl. The girl has been identified as Jyoti. Her mother was working in the fields close by when the incident took place. Her father expressed happiness and thanked the administration for saving his daughter. बहुत अच्छा लग रहा है, बच गए उसकी जिंदगी, दूसरी जिंदगी में आके आई है सर, बचने का चांस ला. लेकिन प्रशासन ने पूरी सहायता हमारे की, सरकार भी की, गांव वाले भाई ने सब ने मल के जल के उसको काटने की पूरा सर किया. उसके बाद काट के बाहर लेके आया, फिर हॉस्पिटल में लाके भर्ती करा रखा. अब कोई दिक्कत नहीं, अब सही है बिल्कुल, वैसे कोई परेशानी नहीं हो रही. करेस्पॉन्डेंट एच एन पांडे फ्रॉम दौसा फॉर ANI.